इतना एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की, इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करना इतने बिग फेलियर के बाद 2014, 15, 17, 18, इसके बाद इतना आसान नहीं होता ऐसे गुड मेंटेलिटी और उसके साथ कैरी करके इतना एक्यूरेसी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। मतलब एक स्ट्रेटजी बनाया था मैंने एक्यूरेसी के लिए। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था 2018 का मैं स्टार्ट करता हूँ, 2018 गेट में मेरा 2018 गेट का भी पेपर ऑलमोस्ट मतलब ईजी था, मतलब 2017 के कंपटीशन में। तो क्या हुआ था मेरा इजी पेपर में उस टाइम सिली मिस्टेक्स हो गया था बहुत सारा, नहीं तो मेरा उस टाइम भी 75 जैसा मार्क्स होता था, तो उसके सिली मिस्टेक्स के चलते मेरा 66.67 मार्क्स हो गया था, तो इतना रैंक पीछे हो गया था। तो उस टाइम से मैं सोच लिया था कि इस बार मुझे कुछ भी करके अपना इस सिली मिस्टेक्स को कम करना ही है। मतलब इसको कैसे प्लान किए? हाँ फिर प्लान किया तो एक दो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, जब मतलब पहले मैं सब्जेक्ट टेस्ट से ही स्टार्ट किया था, मतलब रिवीजन जब एक एक सब्जेक्ट रिवीजन देता था उसके बाद एक सब्जेक्ट टेस्ट देता था, उसमें भी मेरा मिस्टेक्स होता था। तो क्या करता था, जो मिस्टेक्स मेरा होता था तो उसको मैं एक कॉपी में नोट कर लेता था उस क्वेश्चन को, और सिली मिस्टेक्स जो जो था तो उसको मतलब माइंड में रख देता था कि ये मिस्टेक्स हो रहा है करके। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहे करके। ओके, एक प्रॉपर एक कॉपी बनाए थे अलग से, बनाया था अलग टेस्ट सीरीज के लिए।